देश की नारी शक्ति का नया आत्मविश्वास आज विमेन लेड डेवलपमेंट के प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार कर रहा है। ये आत्मविश्वास खेल के मैदान से लेकर तकनीक, नवाचार और युद्ध के मैदान तक दिखता है, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए सुखद संकेत है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि हर कैरियर और कार्य क्षेत्र में महिलाओं की समान सहभागिता हो, हर जगह पे महिलाओं में सुरक्षा का एहसास हो, सम्मान का भाव हो। इस संकल्प को हमें आजादी के 75 साल का संकल्प बनाना है। महिलाओं के सशक्तिकरण पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का फोकस है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को देश का अभियान बनाकर लाखों बेटियों का भविष्य संवारा। वहीं स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर घर शौचालय बनने से महिलाओं को मिली सुरक्षा और सम्मान। उज्ज्वला योजना से गरीब महिलाओं को मिला मुफ्त गैस कनेक्शन। और 3 तलाक को गैर कानूनी बनाकर मुस्लिम बहनों को दिलाया उनका अधिकार। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत महिलाओं के लिए 1 करोड़ रुपए तक के लोन की व्यवस्था की गई है, जिससे महिलाओं के कौशल और उद्यम को मिले अवसर। आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स के मानदेय में बढ़ोतरी हो या मातृत्व अवकाश बढ़ाकर 26 हफ्ते करना हो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो या सुकन्या समृद्धि योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत महिला स्व सहायता समूहों को बढ़ावा देना हो या सैनिक स्कूलों के दरवाजे बेटियों के लिए खोलना, आज बदलते हुए भारत में देश की बहनों बेटियों के पास भी आगे बढ़ने के अवसर बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को मिशन बनाकर आगे बढ़ रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग NCW। पिछले 3 दशकों से महिलाओं के हितों और उनके अधिकारों की रक्षा करता आ रहा है। कोरोना महामारी के दौरान NCW ने गर्भवती महिलाओं को मेडिकल सहायता उपलब्ध करवाने के लिए 24/7 व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किया। देश भर से महिलाओं ने मदद के लिए संपर्क किया और NCW की टीम ने हर प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाई। NCW की 24/7 विमेन हेल्पलाइन पर महिलाएं किसी भी संकट की स्थिति में कॉल कर सकती हैं और उनकी जरूरत के अनुसार सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कोविड महामारी के बीच 24 घंटे कार्य करता रहा राष्ट्रीय महिला आयोग। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए NCW बड़े स्तर पर कई कार्यक्रम चला रहा है, जैसे कि डेयरी फार्मिंग से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विभिन्न प्रदेशों के 18 संस्थानों के माध्यम से डेयरी फार्मिंग के उत्कृष्ट व मूल्यवर्धक उत्पादों को बनाने का प्रशिक्षण दिया गया, जिसके द्वारा सैकड़ों महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। इस कार्यक्रम में दूध से बनने वाले विभिन्न उत्पादों के बारे में विस्तार में बताया जा रहा है। महिलाओं में उद्यमिता के विकास के लिए NCW ने 6 हफ्ते का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसके तहत 1,859 महिलाओं को IIM बैंगलोर से ट्रेनिंग दिलाई गई और 385 चयनित महिलाओं को इंडिया SME फोरम द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल लाइफ की चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा है NCW का पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौशल क्षमता विकास व व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम के तहत देश भर के 80 से अधिक महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के माध्यम से हजारों छात्राओं को प्रशिक्षित किया गया। इस कार्यक्रम के द्वारा स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट, रोजगार के अवसरों की पहचान, साक्षात्कार, प्रस्तुति, रेज्यूमे बनाने की कला पर मार्गदर्शन दिया गया। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए NCW का शी इज अ चेंज मेकर प्रोग्राम बेहद मददगार साबित हुआ है। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू लीगल अवेयरनेस जैसे कार्यक्रम महिलाओं को संकट की घड़ी के लिए तैयार करते हैं, ताकि वो विभिन्न महिला संबंधित कानूनों के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान कर सकें। इसके साथ ही NCW और भी कई कार्यक्रम चला रहा है, जैसे कि घरेलू हिंसा के मामलों में प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की भूमिका को ध्यान में रखते हुए उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम
और लैंगिक समानता के लिए पुरुषों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े स्तर पर चलाए जा रहे हैं कार्यक्रम। NCW की ऐसी अनेक कोशिशों से लाखों महिलाओं को मिला है सम्मान पूर्वक जीवन का अधिकार। महिला अधिकारों का प्रहरी बन उनके सशक्तिकरण को समर्पित है राष्ट्रीय महिला आयोग।